छह लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1,00,000 की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1,00,000 का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव, निवासी भानुपुरा, थाना कुरावली, जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह, निवासी शिकवाबाद, जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह, जनपद हाथरस, सिकंदरा राव थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार, थाना सिकंदरा राव, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदरा राव के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव, कचोरा थाना सिकंदरा राव, 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदरा राव से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टि हम लोग की पूछताछ हुई है, तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं, और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं, और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहाँ पर जो एक चीज़ आपके, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए, उन्होंने आपने भी देखा होगा कि उन्होंने उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एकरूपता हेतु वहाँ पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं, और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं, और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा के चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई, तो सेवादारों ने भीड़ को रोका, और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे, वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है, और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं, इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1,00,000 की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1,00,000 का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी, और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, या किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी।